हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टू नॉलेज। स्टडी टू नॉलेज में हम कवर करते हैं करंट अफेयर फॉर एचपीएस, एचपीएल लार्ज सर्विसेज, एसएससी, बैंक्स, पीओ, क्लर्क, आरबीआई एंड वेरियस स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के जनवरी 2020 के करंट अफेयर करेंगे। जो व्यूवर इस चैनल पर नए आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज मिलती रहें और आप अपनी प्रेपरेशन में लाभ उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले को नेशनल अवार्ड मिला है? तो ये मिला है शिमला को, और ये देश के टॉप 10 जिलों में इसने स्थान प्राप्त किया है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। रोहतांग टनल का नाम चेंज कर दिया जाएगा, तो यह क्या कर दिया जाएगा? यह कर दिया जाएगा अटल टनल। किस स्थान पर चंद्र और भागा नदियों का संगम होता है और चिनाब नदी बनती है? तो यह बनती है तांडी नामक स्थान पर, यह लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध और शहद की घाटी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चंबा घाटी को। अंटार्कटिका में भारत के प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? तो यह है दक्षिण गंगोत्री, और ये 1983 में इसको लॉन्च किया था। और अंटार्कटिका जाने वाले पहले व्यक्ति फेबियन वेलिंग शौसन थे, जो 1820 में गए थे, और इनके जहाज का नाम था वोस्तक। और भारत के पहले अंटार्कटिका जाने वाले व्यक्ति रामचंद्रन जी थे, जो कि 1960 में पहली बार गए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1965 में, और पहले व्यक्ति जिनको यह मिला था वो थे जी ए शंकर कुरूप, और 2019 के लिए ये मिला है अकीथम अचूतम नंबूथरी को। विश्व का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? तो ये है हिक्किम, लाहौल स्पीति में। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए मिला है, और इसको अवार्ड उत्तर पूर्व क्षेत्र और हिमालय राज्यों की श्रेणी में यह अवार्ड मिला है। सतत विकास सूचकांक 2019 के अंतर्गत किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है केरल को, और दूसरे नंबर पर रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो पहले थे श्रीकांत बाल्दी जी, लेकिन अभी नए बने हैं अनिल खाची जी। हिमाचल को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2021 तक। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, और ये जन्म दिवस होता है स्वामी विवेकानंद का। और वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। शिमला को ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी बनाने का श्रेय किस वायसराय को दिया जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड लॉरेंस को। भारत के किस बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है 1973 से 1974 के बजट को, और यह इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस टाइम पे रेवेन्यू डेफिसिट था,
550 करोड़, और 1997-98 के बजट को कहा जाता है ड्रीम बजट, क्योंकि इसमें मेजर रिफॉर्म्स किए गए थे, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स को लोअर कर दिया गया था और कॉरपोरेट टैक्स को भी लोअर कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2021-2021 के लिए कितने रुपए का राज्य आकार प्रस्तावित हुआ है? तो ये हुआ है 7,900 करोड़, पिछले वर्ष था ये 7,100 करोड़, अभी है इसमें 11% की वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में किस जगह विंटर कार्निवाल हुआ है? तो ये हुआ है मनाली में, 2 से 6 जनवरी के बीच में हर वर्ष यह विंटर कार्निवाल होता है। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत शिल्पकारों व कारीगरों को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये सीखने वालों को दी जाती है और मुख्य प्रशिक्षक को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, और मुख्य प्रशिक्षक केवल 5 व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण दे सकता है एक टाइम पे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं भारत के? तो ये बने हैं बिपिन रावत। कुल्लू दशहरा की शुरुआत करने का श्रेय किस राज्य को जाता है? तो ये जाता है जगत सिंह को। हिमाचल प्रदेश की किस जिले को सेकंड प्राइज मिला है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए? तो ये मिला है सिरमौर को। ये अवार्ड दिया गया था जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के उन्नत समाधान के लिए। हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किस डिश को स्थान दिलवाया है? तो ये दिलवाया है खिचड़ी को। मकर संक्रांति के अवसर पर मंडी के तत्तापानी में 1995 किलोग्राम खिचड़ी तैयार की गई थी और यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना कौन सा पूर्णता दिवस मनाया? तो यह मनाया है 50वां, और हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला था, और इसका जो विधेयक संसद में पारित हुआ था वह हुआ था 18 दिसंबर 1970 को। हिमाचल प्रदेश की किन दो पर्सनैलिटीज को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है रिपब्लिक डे पे? तो ये हैं कंगना रनावत और प्रोफेसर अभिराज मिश्रा को। हिमाचल के मंदिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है किशोरी लाल वैद्य जी। नोनो वजीर किस रियासत से संबंध रखता था? तो ये रखता था लाहौल स्पीति से संबंध। झमाकड़ा लोक नृत्य किस जिले का नृत्य है? तो ये है कांगड़ा जिले का। हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त कोर्ट कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1983 में, 17 अगस्त 1983 को यह हुआ था, और पहले लोकायुक्त थे जस्टिस टीवीआर ताताचारी जी, और अभी प्रेजेंट में है लोकेश्वर सिंह पंत जी। तो ये थे जनवरी महीने के करंट अफेयर। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस। थैंक यू वेरी मच।